वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। बॉलीवुड की चुलबुली गर्ल आलिया भट्ट इन दिनों अपनी फिल्म गंगूबाई और लव लाइफ लाइमलाइट में चल रही हैं। खबरें हैं कि आलिया और बॉलीवुड एक्टर रणवीर कपूर बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। वहीं इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि आलिया अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटेड रहती हैं। इन दिनों वो लगातार काम कर रही हैं। यहाँ हम आपको आलिया भट्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन में एकदम रिलैक्स होकर अपने दिन और रात गुजारे। साल 2019 में आलिया भट्ट ने 59.12 करोड़ रुपए कमाए। उन्होंने गली बॉय जैसी सुपरहिट फिल्में दी। इस फिल्म में वह रणवीर सिंह के अपोजिट थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद करण जौहर की मच अवेटेड फिल्म कलंक में दिखाई दी, लेकिन फिल्म नहीं चली। हालांकि उनकी अपीयरेंस को काफी सराहा गया। इतनी कम उम्र में उन्होंने फिल्म में इतने तरह के रोल निभा लिए हैं कि उनसे अब गंगूबाई काठियावाड़ी का वैश्या ये रोल उनसे और ज्यादा की उम्मीद लगाए बैठा है। संजय लीला बंसाली के निर्देशन में बनी यह फिल्म मशहूर लेखक हुसैन जैदी की पुस्तक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के एक अध्याय पर आधारित है। वैसे गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा आलिया अपने फिल्म चिपलाड़ की वजह से भी सुर्खियों में चल रही हैं। वे पहली बार एक साउथ फिल्म में एक्टिंग करती दिखने वाली है। वहीं चिपलाड़ में अजय देवगन भी पहली बार एक साउथ फिल्म में एक्टिंग करते दिखेंगे। बता दें कि जहां साल 2020 पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बुरा दौर रहा, वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को इनका सामना नहीं करना पड़ा। उनके पास साल 2019 की सेविंग्स और साल 2020 में कमाई जरिया विज्ञापन करना जारी रहा। इतना ही नहीं, आलिया ने इस दौरान लेज फ्रूटी और फ्लिपकार्ट के लिए विज्ञापन शूट किए, जिससे उनकी इनकम भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। बता दें कि आलिया कम उम्र में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस है। इस वक्त वह फिल्म राजमौली की ट्रिपल आर ब्रह्मास्त्र और गंगूबाई काठियावाड़ी की तैयारी कर रही हैं। फिल्म ब्रह्मास्त्र में वह अपने बॉयफ्रेंड और एक्टर रणवीर कपूर के अपोजिट दिखाई देंगी। इसमें अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय और नागा अर्जुन भी अहम किरदार में हैं। फिल्म को आयान मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।